ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। हाँ हाँ बोल। वीडियो दे। ये ले। एक मिनट, वीडियोस बनाना पिकाचू की पुसी और वजीटा के वजाना जैसा आसान नहीं होता है। एंड सिंस तुम में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस बनाने के प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो, सो इसलिए हमने 25K के माइलस्टोन पर ये डिसाइड किया कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक ए ओटाकुस्तान वीडियो। Hey everyone, welcome back to Otakustan, and we are here with another highly requested video by many of you. That is how an Otakustan video is made. आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट हमारी टीम के सभी मेंबर्स होने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारी टीम की मेंबर लिस्ट। उत्कर्ष आर मैनेजर, शुभम आर मेन एडिटर, अर्पित आर सेकंड एडिटर, सतोशी आर स्क्रिप्ट राइटर, RDN narrators Orange, Omi, Shinko and of course me. Then we have our subber and editor Galaxy and finally हमारे टीम का सबसे बेवफा member Craig. Now recording. So Otakustan की हर एक वीडियो का production 4 से 5 stages में divided होता है, जिनमें से सबसे पहला step है planning. So guys, planning के स्टेज में सबसे पहले हम लोग एक मीटिंग रखते हैं डिस्कॉर्ड पे, जहाँ पे हम वीडियो डिसाइड करते कि कौन सी वीडियो कब आएगी, जिसके लिए हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं। शेड्यूलिंग तो करते ही हैं, शेड्यूल पे कभी कोई आती है वीडियो? एक सेकंड में आता हूँ पानी पी के, एक सेकंड में आया। कब थी लास्ट वीडियो शेड्यूल? मुझे ये बता, ये दो वीडियो एक दूध भाई एक चूतिए को क्यों दी गई थी, ये पहले बताओ। वो तो प्लानिंग है ना अपना। ये बता, यही तो प्लानिंग है अपना। तो प्लानिंग किस लिए करी गई थी? प्लानिंग तो वही थी। Planning does not guarantee success. भाई बंदे ने बोल दिया सच बात। Best example. Let's go भाई। ये मैं अपने मम्मी पापा को ये बताएगा। But usually जब हम plan करते हैं तो कुछ और चीज होती है, एंड में आते आते तक यही हो जाता है, एक बंदा 4 वीडियो बना रहा है। Planning में सबसे पहले हम लोग शेड्यूल करते हैं कि वीडियो किस किस डेट को आएगी, फिर उस इंसान से पूछा जाता है क्या बनाओगे तुम, फिर उस हिसाब से उसे डेट दी जाती है कि उसकी वीडियो किस डेट पे आएगी। और मोस्टली हमारे आधे नरेटर उस डेट के आते आते मर जाते हैं, या तो किसी के घर पे बवाल हो जाता है या तो किसी के एग्जाम आ जाते हैं, और इसी तरह से एक ही वीडियो फिर 4 इंसान बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसके बाद यूजुअली हमारा मतलब टॉपिक डिसाइड हो जाने के बाद हम लोग एक टाइम डिवाइड कर लेते हैं कि हाँ, हमारा मेन प्लान तो यही रहता है कि पर वीक एक वीडियो आ जाए, तो उस हिसाब से मतलब हम लोग टाइम डिवाइड रखते हैं, एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑन रिसर्च। एंड विद दैट सेड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन, दैट इज स्क्रिप्टिंग बाय सतोशी। टॉपिक डिसाइड होने के बाद एज यू नो कि स्क्रिप्टिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा रिसर्च आपका। विदाउट गुड रिसर्च मटेरियल एंड समथिंग टू बेस योर स्क्रिप्ट ऑन, आप एक अच्छा स्क्रिप्ट कभी नहीं लिख सकते। और रिसर्च को ऑलमोस्ट लगते हैं 3 दिन पकड़ के चलो, फिर आती है स्क्रिप्टिंग की प्रोसेस चालू होती है, जहाँ पे मैं एक बेस स्क्रिप्ट लिखता हूँ और उसके बाद सब लोग उस पर मजे करते हैं। उस पर मजे करते बेसिकली तो हम लोग सातोशी की बेस स्क्रिप्ट को उठाते हैं, और अगर वो स्क्रिप्ट मेरे वीडियो के लिए तो मैं शुभम को पकड़ूंगा और खुद बैठूंगा और फिर उस स्क्रिप्ट का चीरहरण करूंगा। मतलब तू नहीं, तू क्या करता आके, कुछ नहीं करता यहाँ पे। तू रुको, मैं बताता हूँ। जिसकी स्क्रिप्ट है और शुभम है, वही उसका करते जो भी करते। अगर बाकी लोग आके वीसी पे बैठते तो वो लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते। जैसे कि ऑरेंज आएगा और पूछेगा कि तुम्हारा वजाइना पे क्या ओपिनियन है, तो ऐसे ही होता है। यस बट मैं सुपरवाइज करता, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद उत्कर्ष को दिखा देते और उत्कर्ष से पूछ लेते, देख ले भाई चैनल के हिलना लगे इससे, बस कम्युनिटी गाइडलाइंस ना चली जाए। हाँ भाई, ये ज्यादा होता है रादर देन कॉर्पोरेट। हम लोग उत्कर्ष को दिखा देते लाइक देख ले, इसके बाद चैनल जिंदा रहेगा ना लाइक। हमारी यार इतनी इतनी होलसम स्क्रिप्ट होती तो मैं लगता है कम्युनिटी गाइडलाइन कभी आएगा, मुझे तो यकीन भी नहीं है आ सकता। हाँ, तो मैं बनाना है ना लॉलीज के ऊपर वीडियो आ रहा है फिर गाइस। हो गया भाई अनाउंस। तो स्क्रिप्टिंग होने के बाद वो स्क्रिप्ट जाती है सीधा नरेटर के पास। अब डिपेंड करता है वो कौन सा नरेटर है, इसलिए हम ये बात शुरू करेंगे ऑरेंज से। ऑरेंज अपना प्रोसेस बताओ। हाँ यस, लेट मी एक्सप्लेन।
सो जब स्क्रिप्ट मिलती है हम गूगल डॉक्यूमेंट में जाते हैं, उसको भाई 5-6 बार रीड करते हैं, खूब अच्छे से भाई मेमोराइज करते हैं, फिर उसके बाद जो अपना डिक्सलेक्सिया भाई किक इन करने लगता है। ठीक है, सो नरेशन का मैं बेसिकली ये सीन करता हूँ कि लाइक जो गूगल डॉक्यूमेंट है उसको जाकर खोलेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे आराम से उसको कि लाइक मेमोराइज हो जाए ये लाइन, 2-3 बार भाई माइंड में बोलेंगे, फिर उसके बाद नरेशन के टाइम एक लाइन को 12 बार बोलना है क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ पे ठीक से बैठेगा कहाँ पे ठीक से नहीं बैठेगा। और वो बेसिकली अगर मुझे 1 मिनट का रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, लाइक 1 मिनट की रिकॉर्डिंग है, तो उसके लिए मुझे कम से कम 40 मिनट बैठ के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लाइक एक लाइन को इतनी बार बोला कि वो 40 मिनट तक खिंच जाती है। वही उसको भाई काट काट के छोटा छोटा करो, फिर उसके बाद भाई बना वीडियो। हाँ यही है अपना नरेशन का दुख। मेरे साथ ये सीन है स्क्रिप्टिंग के बाद नरेशन में कि जैसे ही स्क्रिप्टिंग खत्म होती है मैं शुभम को बोलता हूँ, शुभम मैं रिकॉर्ड करके दे देता हूँ भाई, आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा भाई। फिर शुभम बोलेगा नहीं नहीं कल एक बार फिर आएंगे, स्क्रिप्ट को एक बार फिर से देख लेंगे अच्छे से, कुछ चेंजेस करने होंगे उसके बाद रिकॉर्ड करना। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि शुभम श्योर नहीं होता है, पता नहीं यार क्यों नहीं श्योर होता है, बट बंदा इज लाइक ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग स्क्रिप्टिंग को सही करेंगे, और मोस्टली मेरी रिकॉर्डिंग रात को होती है तो बिल्कुल चिल है, रात में एकदम शांति में मक्खन। इसी बात पे कुछ नरेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहोगे दुनिया में? स्क्रिप्ट को कम्प्लीटली फॉलो करने जाओगे तो फकअप करते रहोगे, बहुत फकअप करोगे। फिर स्क्रिप्ट एक बार समझ लो कि तुम्हें क्या बोलना है, और किसी जो मन करे बग दो, गाली देना है गाली भी दे दो बीच में। हाँ, व्हाट अबाउट डियर, सबसे बड़ा प्रो टिप अगर मुझे देना है किसी को, तो बस यही बोलूंगी कि अगर तुम्हारे घर में भी ना ऐसे इश्यूज है कि क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग करने में वो होता है, माँ बाप को डिवोर्स दे दो। अभी चुप है, कहाँ से आते हैं भाई तेरे आइडियाज। बेसिकली प्रो टिप बस इतनी सी है कि अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर ये नहीं है, अपैरेटस नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो तुम अपने मोबाइल का जो माइक, मतलब हेडफोन या ईयरफोन का जो माइक होता है ना, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो फॉर रिकॉर्डिंग। जैसे कि मैं अभी खुद भी एक ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड कर रही हूँ, दुख भरी। कितनी गरीबी में जी रहे हैं। नहीं गाइस, हम गरीबी में जी रहे हैं अभी तक, 25 के होगा तब भी दो डोनेशन दो। सुपर थैंक्स, मेंबर बनो यार, सुपर थैंक्स दो गाइस, गिव अ कॉफी गाइस, टेंशन माइक पे ला दो गाइस, एक बार तो होना ही था पूरे फिटिंग में, चलो हो गया। ओ भाई डियर चैन को माइक दिला दो, बोल दिया गया है सुपर चैट, थैंक्स इनकमिंग, लेट्स गो गाइस। देख लो तुम्हें अगर उसकी वॉइस और अच्छे से चाहिए तो ये नहीं बोलना था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओटाकुस्तान। जी हाँ, ओटाकुस्तान वही इंडियन एनिमे चैनल जो अपनी ऑडियंस की सारी बातें सुनता है। टोक्यो रिवेंजर्स पे रिव्यू आ रहा है गाइज। और अगर आपको पता ना हो तो ओटाकुस्तान ने रिसेंटली ही 25K सब्स हिट किए हैं, और इसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने अपने डेड पॉडकास्ट वीव वार्तालाप को रिवाइव करा है एंड उसे शिफ्ट कर दिया है एक दूसरे चैनल पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग ही हुई है विद हाउ वाज ओटाकुस्तान स्टार्टेड। सो अगर आपको भी जानना है कि ओटाकुस्तान कैसे स्टार्ट हुआ, तो जाओ और जाकर देखो वीव वार्तालाप का पहला एपिसोड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो पिंड इन कमेंट सेक्शन। हाँ, मैं बिक चुका हूँ। जिसकी ऑडियो में वैसे एडिटिंग की जरूरत होती है, उसकी ऑडियो एडिटिंग के लिए चली जाती है। यूजुअली शुभम एडिट कर देता है क्योंकि उसके उसको वीडियो एडिट भी करनी होती है। कभी कभी मैं कर देता हूँ, या फिर अगर ऑरेंज की ऑडियो तो ऑरेंज ज्यादातर टाइम खुद ही करता है अपना ऑडियो एडिट। और एक ऑडियो एडिटिंग पे मैं छोटा सा टिप, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ा हुआ हूँ उसके बारे में, सो यही है कि बहुत ज्यादा ओवरडू मत करना। मैं करके देख चुका हूँ वो गलतियाँ, बहुत गंदा हो जाता, बहुत गंदा पकअप हो जाता पूरा ऑडियो के साथ। बस हल्का कंप्रेशन लगाओ, बस जितना तुम्हें जरूरत है एक्चुअली ऑडियो में, और कंप्रेशन लगाओ और जिंदगी मस्त हो जाती है। थोड़ा सा इक्वलाइजेशन लगाओ, मतलब बहुत हाई जो वो होते हैं क्या कहते हैं उसे, डेसिबल्स, उनको डाउन कर। कोई एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डर डाउनलोड करो गाइज, उस पे वेव फॉर्म में ऑडियो रिकॉर्ड्स करो, या जितनी हाई क्वालिटी पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो सकता है वो यूज किया करो। और एक्सपोर्ट करने के लिए तुम FLAC फॉर्मेट यूज कर सकते हो, ज्यादा बड़ी फाइलें नहीं बनाता भाई। ये बंदी को अभी तक नहीं पता है, सोचो भाई ये 2 साल से ये कर रही है। लेट मी जस्ट एक्सक्लूड दैट। रुको उत्कर्ष,
साले नॉर्मी तेरे को नहीं पता MP3 में ऑडियो आ रहा सामने भाई से? ये बंदी किसी भी फॉर्मेट में दे देती है, मैं इसको बोलूं क्या बार बार कन्वर्ट करने के लिए? ये मोबाइल पे जब ये बंदी आज तक 2 साल से ये बंदी MP3 बोल रही है M4A में देती भाई। शुभम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगा सडनली। आई डोंट इवन नो व्हाट द फक इज हैपनिंग हियर, जस्ट एन ऑडियो एट दिस मोमेंट भाई। वो MP3 में नहीं देती है, वो M4A में देती है, उसको खुद नहीं पता MP3 में देती है M4A में। हम लोग को खुद नहीं पता व्हाट द फक इज हैपनिंग। ओ भाई एक मिनट, डेयर एक और बात, योर वॉइस इज वेरी क्यूट, थैंक यू। और ये मेरी वीडियो के नीचे आया कमेंट। जब एक टुकड़ों वाली फाइल जब एक प्रॉपर फाइल में और एडिटेड फाइल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद वो दो जनों के पास जाती है, दैट इज वीडियो एडिटर एंड सबर। तो ये यहाँ से बेसिकली दो काम एक साथ होने लग जाते हैं, एडिटिंग जो भी मतलब जिसको भी असाइंड होता है एडिट करने के लिए। अब वो दोनों अपना अपना टास्क समझा देंगे, सबसे पहले सबिंग के साथ चलते हैं। गैलेक्सी भैया क्या करते हो सबिंग में? ओके सो मैं एक एजी सब के अंदर फाइल क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर जो भी होता है स्क्रिप्ट के अंदर उसके बेसिस पे पहले ट्रांसलेशन करता हूँ, फिर ऑडियोग्राफ के हिसाब से एक 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 टेम्पलेट बनाता जाता हूँ, उसके अंदर हर एक सबटाइटल लाइन डालता जाता हूँ, और फिर उसके बाद में थोड़ा वेट करना पड़ता है जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद स्टाइलिंग करनी पड़ती है बहुत सी जगहों पे जहाँ एडिटिंग हुई है वहाँ पर उनको हटाना पड़ता है सबिंग को, तो एक तरह से एक नई फाइल बनानी पड़ जाती है रॉ फाइल के बाद में, और फिर उसको एक डिफरेंट कन्वर्टर यूज करके YTT फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो YouTube पे जो है कलर्ड सब्स आप लोग को जो भी दिखते हैं वो भी जो भी स्टाइल दिखती है वो सब दिखे। गाइस जो तुम अभी कलर्ड सब देखकर मजे कर रहे हो ना, ये नशे कर रहे हो, ये चीज में बहुत मेहनत लगती है, इस बंदे को थैंक्स बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि तुम सब कैप्शन ऑन करके वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। तो जैसे कि उत्कर्ष ने भी बताया कि ऑडियो एडिटिंग के बाद ऑडियो जाती है सबटाइटलर के पास एंड एडिटर के पास। एडिटर हमारे टीम में बहुत सारे हैं, मैं हूँ, अर्पित है, ऑरेंज है एंड ओमी भी है। सो हर मेरा एडिटिंग प्रोसेस हर वीडियो का स्टार्ट होता है विद द म्यूजिक। सो आई थिंक म्यूजिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अ वीडियो। ठीक है, तुम वीडियो एडिट करने से पहले ही तुम लोग को लाइक टेक्निकली तुम लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक अक्वायर कर लेने चाहिए, लाइक दैट विल सेट द मूड फॉर द वीडियो। तो अगर साइलेंट वॉइस वाला जो हमने रिसेंटली फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग जो रिसेंटली साइलेंट वॉइस वाला वीडियो है तो उसके ऑडियो मैंने सुनी और स्क्रिप्ट राइटर के साथ डिस्कस करने के बाद मैं 2-3 कीवर्ड्स पे फिक्स हुआ था। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स से मैचिंग मैं जाता हूँ लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने। ठीक है, एंड ऐसे कीवर्ड्स से जो मैचिंग बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मिलने के बाद मैं तब एडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद आई यूज लाइक मैं अपना सॉफ्टवेयर खोलता हूँ एंड आई यूज द प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्बो। मैं पहले हिटफिल्म एक्सप्रेस यूज करता था बट रिसेंटली आई स्विच टू प्रीमियर प्रो एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वो सुनता हूँ ऑडियो एंड देन AMV डाउनलोड करता हूँ। AMV डाउनलोड करके अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का पीएनजी स्लाइडशॉट बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर तुम YouTube पे देखोगे, अगर तुम YouTube पे वेब कंटेंट बना रहे हो ना, तुम लाइक कंटिन्यूअसली थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस के साथ कम्पीट कर रहे हो अपने व्यूअर का अटेंशन के लिए, तो इसीलिए तुम्हारा वीडियो ऐसा होना चाहिए ना जो लाइक डिजर्व करे तुम्हारे व्यूअर का अटेंशन। तो उस हिसाब से वीडियो बनाओ, विजुअल से मैचिंग हमेशा कुछ ना कुछ जो तुम्हारा नरेटर बोल रहा है उससे रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ विजुअल्स देते रहो। ठीक है, मैंने आज तक जितनी भी जो है मतलब बैड एडिटिंग में बोलेगा, मैं बैड एडिटिंग तब कंसिडर करता है जब दो चीज़ें तुम नहीं ठीक से इस्तेमाल करते हो, जो है फॉर्मेटिंग और पेसिंग। अगर ये दो चीज़ें माहिर कर लेते हो तुम्हारी एडिटिंग इतना इम्प्रूव करेगी कि तुम खुद शॉक हो जाओगे। फॉर्मेटिंग में बेसिकली तुम्हें बस ये जानना है कि कौन सी इमेज और कौन सी वीडियो कहाँ पे रखनी है, कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, और क्या ना पेसिंग में कि कौन सा ट्रांजिशन अच्छा यहाँ पे फील करे और कौन सी चीज़ यहाँ पे अच्छी फील करेगी। ठीक है, बस एडिटिंग के ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको सीख लो। ये मत सोचो कि किसी ये सारी क्लिप्स मेरे पास पड़ी हैं, ये सारी इमेजेस पड़ी हैं, सब डाल दो, जो भी होगा बन जाएगा, देखा जाएगा, खिचड़ी मत बनाओ। ठीक है, एक सिंपल रूल होता है एडिटिंग का, वो बस बेसिक्स सीख लो और तुम्हारी एडिटिंग भाई बहुत गंदे इम्प्रूव करेगी। तो हमें कुछ ऐड करेगा? मैं यही ऐड करूंगा कि अगर किसी यूट्यूबर की एडिटिंग देख कर तुम इंस्पायर्ड होते हो या फिर कुछ भी होता है, ट्राई करो, लेकिन ओवर एडिट करने मत बैठ जाना कभी भी, क्योंकि मेरे साथ ये इशू हो चुका है, बहुत ज़्यादा फकअप होंगे। और ट्यूटोरियल्स देखो दबा के, बस
इतना ही. ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम लोग साउंड डिजाइनिंग को कभी मत भूलना, लाइक साउंड इफेक्ट्स डालते रहो. साउंड इफेक्ट्स हम लोग कभी इग्नोर नहीं करते. मेरा कैरेक्टर ऊपर आया, शुश कर दो. अच्छा साउंड डिजाइन, ठीक है, लाइक ज्यादा रिपीटेटिव भी ना हो जाए, ज्यादा रिपीटेटिव भी ना हो जाए, ताकि मतलब कानों में चुभने लगे, लाइक एक लेवल होता है वो सब. अच्छे से अनोइंग नहीं होना चाहिए, अनोइंग नहीं होना चाहिए. इंसर्ट वाइन बूम हियर. ये सब सारी चीजें साउंड डिजाइनिंग म्यूजिक ये सब अच्छे से एडिट करने के बाद मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ नॉर्मली, लाइक वीडियोस एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं नॉर्मली MP4 में ही करता हूँ. MP4 में रेंडर करने के बाद आई अपलोड द वीडियो. एंड तुम लोग सोच रहे होगे लाइक वीडियो एडिट हो गया ज्यादा स्ट्रगल खत्म है, लेकिन स्ट्रगल यहाँ से एक्चुअल स्ट्रगल यहाँ से शुरू होता है. एक्चुअली स्ट्रगल यहाँ से शुरू. अब वीडियो एडिट हो गया, अब उस वीडियो को कहीं ले जा रहा है और सब लोग भी यहाँ पे पागल होंगे. स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मैं हूँ एक BSNL यूजर एंड मेरी जिंदगी में इंटरनेट स्पीड नाम की चीज नहीं थी, तो मेरे लिए एडिटिंग आसान है लेकिन अपलोडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है. मेरे सारे वीडियोस का साइज नॉर्मली 500 से 600 MB होता है और उन सारे वीडियोस को अपलोड करने के लिए मुझे जियो का पैक भराना पड़ता है हर बार और घर से बाहर निकलना पड़ता है रास्ते में ताकि अच्छा नेटवर्क मिले और मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ. बेसिकली पार्क घूमने इसी वजह से जाता है वही. तो अब इस पॉइंट पे वीडियो बेसिकली अपलोड हो चुकी होती मीडिया फायर पे, गूगल ड्राइव पे या कभी कभी डायरेक्ट यूट्यूब पर. अगर मीडिया फायर गूगल ड्राइव पर है तो वो मेरे पास लिंक आ जाता है, मुझे डाउनलोड करके उसे वापस अपलोड करना होता है. और एक बार वीडियो अपलोड हो जाती है तो मेरा अराउंड ये सब यूजुअली ये सब एक रात पहले हो रहा होता है काम, अराउंड 3-4 बजे. तो मेरा काम क्या होता है उस समय पे, यहाँ पे मेरा काम एक्चुअल शुरू होता है कि मुझे टैग्स लगाने. तो एक बार टैग लग जाता है हमारी वीडियो में तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर सतोशी को भेज देता हूँ. नाउ सतोशी इज नॉट ओनली जस्ट अ स्क्रिप्ट राइटर, वो मतलब हमारे डिस्क्रिप्शन भी सारे सतोशी ही लिखते हैं. अब यहाँ पे टैग लग चुके हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने टैग उसको दे दिया. तो अब सुबह सुबह जो स्ट्रगल शुरू होता है मेरा और शुभम का, लाइक मैं रात में सोने से पहले हम लाइक भाई मैं अगर हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट डालूंगा, ठीक है, व्हाट वी डू. ये चीज हो गई है, तू सिर्फ सुबह उठे. देखो मैं लेट होता हूँ इन सब चीजों के चक्कर में, तो मैं लेट उठूंगा. तो मेरा यही रहता है भाई ये चीजें हो चुकी है, ये चीजें तू चेक कर लियो जब तू उठे, ठीक है. तो हमारी एक लिस्ट बन जाती है छोटी सी कि लाइक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया सातोशी को, टैग्स मैंने डाल दिए, कार्ड मैंने लगा दिया, एंड स्क्रीन मैंने लगा दिए, बाकी तो देख लियो. अब सबसे प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, यहाँ पे सबसे छोटा सा एक पॉइंट जो बहुत बड़ी तरीके से ले जाता है लोगों को, दैट इज थंबनेल एंड टाइटल, जो कि हमारा एंड पॉइंट तक डिसाइडेड ही नहीं होता होना चाहिए वीडियो का. एंड शुभम के मेरे पास 4-5 मैसेज पहले से आ चुके उसमें, भाई उठ जा करके. अंदर से मैं पैनिक हो रहा होता हूँ, तुझे पता भी मैं कभी-कभी भाई मैं कभी-कभी मजे लेने आ जाता हूँ, देखता शिवम भाई बैठा हुआ भी, मतलब चलो भाई आज भाई जगराता सुन लेंगे. क्या होता तुम्हारा सब एक्सपीरियंस, लाइक मोस्ट ऑफ द वीडियोस के लिए तू दे देता है, मेरे ऊपर छोड़ देता है थंबनेल ऑब्वियसली, ठीक है. कुछ वीडियोस आजकल ऑरेंज भी आजकल थंबनेल में घुसा है तो वो भी थोड़ा प्रेशर कम है तो, लेकिन काफी वीडियोस के थंबनेल मैं ही बनाता हूँ, ठीक है. और थंबनेल एज यू सेड उसका डिस्कशन शुरू होता है वीडियो बनने के बाद, आइदर 1 या फिर 2 दिन पहले वीडियो अपलोड होने से, ठीक है. हम लोग अपलोड लाइक अच्छे से डिस्कस करते हैं, पहले तो देखते हैं कि लाइक वीडियो का टॉपिक कैसा है और वो जो थंबनेल और टाइटल है वो काफी रेलिवेंट है. बिग डिस्कशन की भाई ये टाइटल्स है, ये आइडियाज है, आप बताओ क्या जोड़ा जोड़ी करें जिनसे अच्छा टाइटल क्लिकेबल और रेलिवेंट टाइटल बने. तो मोस्टली आजकल तो ऐसा ही होता है सारे OS वीडियोस का, तो कि मैं लाइक जनरली सुबह उठता हूँ 6 बजे, वीडियो आने वाले दिन 6 बजे उठ के थंबनेल बनाना शुरू करता हूँ. तो जो आइडिया डिसाइड हो चुका होता है वैसा ही कुछ उससे मैं जीता जागता, लाइक टाइटल के साथ भी थोड़ा सा मिले, लाइक काम करे बेसिकली वो थंबनेल, ठीक है. सो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके लाइक जनरली मैं एक थंबनेल बनाता हूँ. एंड थंबनेल बनने के बाद मैं थंबनेल लगा देता हूँ एंड देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ पूजा पाठ उत्कर्ष का, जल्दी उठने का. एंड देन उसके बाद वो फाइनली उठता है और फिर क्या करता है वो बताएगा उत्कर्ष होता. तो उठने के बाद मैं यूजुअली सबसे पहले तो भाई थोड़ा बहुत मतलब हमारा यहाँ पे 15-20 मिनट का गैप रहता है कि हाँ भाई आप तैयार हो या रो जा रहे, और थोड़ा मुंह धोने के बाद मैं डायरेक्टली लैपटॉप पे डिस्कॉर्ड पे मैं और शिवम VC पे बैठे हैं, ठीक है. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग इस पॉइंट पे, जबकि हमारा हर चीज कूलली हो गया है, कामली हो चुका है, बट वी आर स्टिल इन पैनिक कि भाई ये हो गया ना पक्का, एक बार रीचेक कर लेते हैं. और उस चक्कर में इतनी बार हमने फकअप करा है गाइस, 1 बजे वीडियो आ रही है, 1 बजे उस 1 बजे के पीछे कितना स्ट्रगल होता है यार. 12:30 बजे उत्कर्ष शुभम भी लाइक
तो और ऐसे करते करते यूजुअली मतलब जैसे तैसे पैनिक में हमारा काम खत्म हो जाता है एंड वी शेड्यूल द वीडियो और वो एक बजे पब्लिक हो जाती है। यूजुअली हम लोग पब्लिक खुद नहीं करते, वो यूट्यूब हमारे लिए तरफ से करता है खुद और फिर तुम लोग के सामने वीडियो आ जाता है एंड दिस इज द यूजुअल होल प्रोसेस जिसमें हम वीडियो बनता है। यहाँ पे सुनने में तुमको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर लग रहा होगा लेकिन इन रियलिटी ये बहुत ज्यादा मैसिव प्रोसीजर है एंड एक टाइम पे हम लोग दो तीन वीडियोज में साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं। सो इतना लाइक इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग कभी काम नहीं करते लाइक जैसे कि यहाँ पे हमने बोला प्लानिंग स्क्रिप्टिंग नरेशन एडिटिंग इट इज रियली मेस्ड अप। सो गाइस ओटाकुस्तान का वीडियो बनाने का प्रोसेस भले ही बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है बट एटलीस्ट हमारा चैनल बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सायोनारा मीना-सान एंड मादानी बाय बाय गाइस बाय बाय सायोनारा एवरीवन सी या ओह फक